इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक फिल्म के ट्रेलर के बारे में जो कि आज ही ड्रॉप किया गया है। फिल्म का नाम है द बकिंगहम मर्डर। इसके अंदर हम देख पाएंगे करीना कपूर को, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हंसल मेहता, फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स यानी एकता कपूर। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे दो छोटे छोटे अपडेट्स को लेकर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इन तक इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में जितना भी पता चल रहा है कि एक इंडियन लड़का जो कि किसी वजह से गायब हो चुका है और उसी केस के सिलसिले में एक मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके वजह से एक कम्युनल प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। फिर जो है सीन में एंट्री होती है करीना कपूर की, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और वो इस पूरी केस की तहकीकात करती है। पूरी ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग सकता है कि ये एक रेगुलर सस्पेंस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इस ट्रेलर के अंदर जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले तो जो लुक एंड फील अचीव किया है, इससे एक थ्रिलर वाला माहौल ज़रूर पैदा होता है। ट्रेलर के अंदर करीना कपूर की जो इंटेंस परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सच में बहुत ही कन्विंसिंग है। शी इज़ रियली वेरी गुड परफॉर्मर एंड आई होप यहाँ भी उन्होंने अपने काम को बहुत ही बाखूबी से की होगी। ट्रेलर देखकर ऐसा पता चल रहा है कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारी कैरेक्टर्स रहने वाले हैं, और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर कुछ शेड्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ट्रेलर है ये दो लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया है, एक है प्रॉपर इंग्लिश में और एक है इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में डबिंग करके। अगर आप इंग्लिश वाला जो ट्रेलर है उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जो इंग्लिश कन्वर्सेशंस को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया है वो वाला डबिंग कानों को खटकता है। मतलब डबिंग शायद सही से नहीं बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ये जो मूवी है इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हंसल मेहता। ये तो एक उम्मीद किया ही जा सकता है कि इस फिल्म के अंदर कुछ तो ऐसा चीज़ रहेगा ही जिसको देखकर दर्शक जो हैं चौंक जाएंगे। बाकी ओवरऑल यही कहूँगा कि ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग रहा था कि रेगुलर सस्पेंस थ्रिलर जैसा है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ काफ़ी अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो है हमारी चारों तरफ इतनी सारी सस्पेंस थ्रिलर रिलीज़ हो रही है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से हटकर कुछ शॉकिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शायद ये जो फिल्म है ये भीड़ में अलग से नहीं बैठ पाएगी। अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और अब अगर कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपको बता दूँ स्त्री 2 जो है कमाल तो कर रही है, ये तो आपको पता ही है। अब इसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया, अब तक जो है इंडियन फिल्म मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्ट करने वाली फिल्म थी पिछले साल ही रिलीज होने वाली जवान, इसका रिकॉर्ड जो है अब टूटने वाली है। जी हाँ, एक ही साल के अंदर किसने सोचा था कि जवान का रिकॉर्ड जो है एक ही साल के अंदर टूटने वाली है। जी हाँ, आज जो है इस फिल्म ने कलेक्ट कर लिया है 509.40 करोड़ यानी 510 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है। अब बहुत जल्द जवान का रिकॉर्ड टूटने वाली है। बहुत अच्छा लगता है जब एक ऐसा फिल्म जो कि एलिजिबल है, जो कि ऐसा रिकॉर्ड करने लायक एक फिल्म है, रिकॉर्ड कायम करती है। जब कोई ऐसी फिल्म आता है कि मतलब कुछ भी उसका सर पर नहीं है, बस स्टार वैल्यू और नॉस्टैल्जिया वैल्यू के दम पे ये फिल्म चल रहा है, फिल्म के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा अगर फिल्म ऐसा कुछ रिकॉर्ड कायम कर जाए तो फिर ये पसंद नहीं होता। लेकिन एक ऐसा फिल्म स्त्री 2 के जैसा, जिसके अंदर अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा कहानी है, डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म जो है दर्शकों को हुक करके रखती है, परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर एक ऐसी फिल्म किसी रिकॉर्ड कायम कर दे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, डायरेक्टर इम्तियाज़ अली जो है लॉक्ड कर चुके हैं अपनी टेंथ फिल्म की स्क्रिप्ट, और ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे फाहद फासिल को। जी हाँ, फाहद फासिल को इसी फिल्म के ज़रिए जो है हम देख पाएंगे बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए। और यही था वो सारे अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।